Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 28 of statistics. We are at the unit 2. The name of unit is linear correlation and we are at the method of rank correlation. So friends, in the rank correlation method we had already understood few sums based on this formula. Now this formula where to be applied? So this formula to be applied when in the sum they have asked about find rank correlation coefficient. Okay, and what is the formula? Formula is R is equal 1 minus 6 sigma d square divided by n, n square minus 1. Jahan par ye jo d hai, see d means difference of rank. Rx minus Ry, ये है हमारा d और what जो भी d है उसका बाद में आपको करना होता है d square, is that clear? N तो हमें sum में दिया हुआ होगा. So let's move to the sum. This is illustration 19. I am reading the question. The singing talent of five singers A B C D and E was judged by two judges in singing competition. The rank assigned to five singers are as follow. The rank 1, 2, 3, 4, 5 means इतना ऐसे rank दिया गया है. अब यहाँ देखते हैं कि जो rank है मतलब क्या कहना चाहता है, कितने rank है 1 to 5. तो judge 1, हम बात कर रहे हैं judge 1 की. तो judge 1 ने C, person C को दिया है first rank. A has got second rank. B has got third rank, E got fourth rank and D got fifth rank. Hopefully you are getting my point. तो जब इसका question answer लिखा जाएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, हमें पहले लिखना होगा इस तरह यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ A, B, C, D and E. ठीक है, इस तरह से हम answer लिखेंगे. जब answer लिखेंगे तो सबसे पहली value होगी वो होगी Rx. ठीक है, Rx में C, तो C got first rank. जस्ट अ सेकेंड, है ना, सी को मिला है फर्स्ट रैंक. ये एलिमेंट नहीं हो रहा है. ओके, मैं वापस से ले लेता हूँ. हम जो है यहाँ पर वैल्यूज ले लेंगे लाइक ए बी सी डी एंड ई. सबसे पहले लिखेंगे हम आर एक्स. आर एक्स में देखो सी हैज़ गॉट फर्स्ट रैंक. ओके, तो सी के सामने लिखना है रैंक 1. A has got second rank, so A के सामने लिखना है 2. B has got third rank, so B के सामने हम लिखेंगे 3. E has got fourth rank, तो in front of E we'll write 4. And D has got fifth rank, तो इसके सामने लिखा जाएगा 5. So hopefully Rx समझ में आ गया होगा. Similarly हम लिखेंगे Ry find करना है, तो Ry find करने के लिए क्या करोगे, जैसे B है तो B को मिला है first rank, तो B के सामने लिखना है 1. सी को मिला है सेकंड रैंक, तो सी के सामने लिखना है 2. डी को मिला है थर्ड रैंक, तो डी के सामने आएगा 3. और ई को मिला है फोर्थ रैंक, तो ए के सामने आएगा 4. और ई को मिला है फिफ्थ रैंक, ई के सामने आएगा 5. तो होपफुली आपको ये जो रैंकिंग सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ. तो आप देखिए आंसर, यहाँ पर सबसे पहले हमने सिंगर्स को ए बी सी डी सीक्वेंस में रख दिया, ए बी सी डी ई. ठीक है, अब ये रैंक जो है वो कैसे लिखे मैंने आपको आइडिया आ चुका होगा, होपफुली आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मैं एक बार वापस से अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको करना क्या है. मुझे एक्चुअली वापस से पुरानी स्लाइड पर जाना पड़ेगा. आपको इस तरह से सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, ए A, B, C, D एंड E. ठीक है, जैसे C के सामने है 1, तो C के सामने आएगा 1. B के फिर है A के सामने है 2, तो A के सामने है 2. B के फ्रंट में है C, सॉरी 3, तो ये 3. देन E के फ्रंट में है 4, तो ये आया 4. और D के पास में है 5. तो इस तरह से देख सकते हो आर एक्स क्या है, 2, 2, 3, 1, 4, 5, ये है हमारा आर एक्स. सिमिलरली हम यहाँ चेक कर लेते हैं 2, 3, 1, 4, 5. देखिए है 2, 3, 1, 5, 4.
है ना, 2, 3, 1, 5, 4। तो इसी तरह से हमें लिखना है। इसी तरह से देख लेते हैं रैंक जज टू के लिए जो वैल्यूज़ है, ए बी सी डी ई, बराबर। हम बी के सामने है 1, तो बी के सामने आएगा 1, सी के सामने है 2, देन डी के सामने है 3, फिर है ए के सामने है 4, सामने आएगा 4, ई के सामने है 5, ई के सामने आएगा 5। तो क्या है, 4, 1, 2, 3, 5। चेक कर लेते हैं, 4, 1, 2, 3, 5। सो होपफुली यू हैव गॉट माय पॉइंट। जब इतना पोर्शन आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद में डायरेक्टली आंसर आपको लिखना है। यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये दो टेबल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे आया। हमें सिर्फ फाइंड करना रह गया है डी, और डी कैसे फाइंड करोगे, तो डी इज इक्वल, ये आप देख सकते हो डी का जो फॉर्मूला है क्या है, आर एक्स माइनस आर वाई। जैसा कि 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 पॉजिटिव 2, 1 माइनस 2 नेगेटिव 1, 5 माइनस 3 पॉजिटिव 2, 4 माइनस 5 नेगेटिव 1। इसका जो टोटल है वो टोटल हमेशा ज़ीरो होगा, ये चेक कर लो, ज़ीरो है। जब भी कभी अगर आपका टोटल ये जो है वो ज़ीरो नहीं आता है, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके सम में कोई ना कोई मिस्टेक है। इज दैट क्लियर? और लास्ट अल्टीमेटली हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो डी है उसका करना है स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो आता है 4, देन अगेन 4, देन स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 1 1, देन डू द टोटल ऑफ इट। लेट्स डू टोटल, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, सो द टोटल अल्टीमेट टोटल इज 14। ओके, सो नाउ वी हैव सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल 14 एंड एन 1, 1, 2, 3, 4, 5। सो वी हैव एन इज इक्वल व्हाट, एन इज इक्वल 5। नाउ सिग्मा डी स्क्वायर इज 14, एन इज 5, सो लेट्स चेक द फॉर्मूला, फिल द वैल्यूज। ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने लिखा, एन आर इज इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 जो है वो तो फार्मूला में ही है, 6 जो है वो भी फार्मूला में है, ये 14 सिग्मा डी स्क्वायर हम टेबल से लेकर के आए हैं, एन 5 दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर किया तो 25, नॉट 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 5 120, ये रहा 120। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 14 इंटू 6 करोगे तो 84, दोनों को डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 0.7, ठीक है, 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। अब ये 0.3 है पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है 50 से बहुत ज़्यादा पीछे है, मतलब नियर टू ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि देर इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन उनकी लीनियरिटी जो है, लीनियरिटी का अजम्पशन उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, हम इस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो ये आपका है होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17 एंड 18 आपको होमवर्क में करना है, जिसमें से कुछ होमवर्क पहले भी दिया जा चुका है, तो आपको सिर्फ एक मैंने इलस्ट्रेशन ऐड किया हुआ है सम नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज का, जो आपने ऑलरेडी कर लिया। इसके जैसा एक सम जो है आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में मिलेगा, जो कि आप डायरेक्टली फाइनली जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आप कर पाओगे। सो होपफुली फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।